नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। भारत की पाकिस्तान को दो टूक, कश्मीर के साथ गिलगित बाल्टिस्तान भी भारत का हिस्सा, फौरन करे खाली। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हालांकि भारत ने भी अब उसको उसी की भाषा में जवाब देने का मन बना लिया है। गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पाकिस्तान के एक वरिष्ठ राजनयिक को बुलाया और इस मसले पर कड़ा बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा क्षेत्र, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान का हिस्सा भी आता है, वह भारत का आंतरिक भाग है। भारत ने साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि इस मसले पर भारत की स्थिति साल 1994 में संसद में पास हुए प्रस्ताव में नजर आई थी, जिसे सर्वसम्मति से पास किया गया था। पाकिस्तान या फिर इसकी न्यायपालिका के पास कोई अधिकार नहीं है कि वह इस पर गैरकानूनी और जबरन कब्जा करे। भारत ने पाक को चेताया है और साफ कहा कि इस तरह गैरकानूनी कब्जे को छोड़ देना चाहिए और जम्मू कश्मीर में किसी तरह का बदलाव करने की कोशिशें नहीं करनी चाहिए।